A very good morning to all our energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. Dear students, it's time for your study. So, all of you get ready for your class. Our today's schedule, Class 2nd, Subject EVS, Lesson 17, Seasons. Hello, good morning my dear student of class 2nd. How are you all beta? I hope you all are well and good. So my dear student, in previous video, we have completed our chapter 16, right? So it's time to our chapter. Tell me, chapter 17, very good. So my dear student, firstly open your books. Open, okay. Now open page number B29. Our today's topic is, my dear student, seasons. Seasons. So firstly tell me student, what is seasons? Seasons जो होते हैं students, हमारे three main seasons होते हैं, summer, winter and monsoon. Okay, so my dear student, start करते हैं. Let's see here. Sometimes the days are warm, sometimes they are cool or rainy. कई बार ऐसा होता है दिन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं और कई बार ऐसा होता है एकदम ठंडे और रेनी बारिश होती है, right? Sunny, windy, cloudy or rainy are words related to weather. Like students, sunny, windy, cloudy और rainy जो words हैं ये कुछ जो weather से related होते हैं. Weather is the condition of the air that surrounds the earth. तो weather क्या होता है students? Weather जो होता है हमारे earth पे हमारे चारों तरफ जो air surround कर रही है उससे जो भी atmosphere रहता है उसे क्या बोलते हैं? Weather. It can change within a very short time and even during the same day. जो weather है students वो बहुत short time में change होता है और डे में भी पूरे दिन में आप लोग भी देखते हैं मॉर्निंग में कुछ और वेदर होता है आफ्टरनून में डिफरेंट होता है वेदर इवनिंग में डिफरेंट होता है तो वेदर जो है एक दिन में कई बार चेंज होता है व्हेन वी हैव द सेम टाइप ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ कॉल्ड सीजन जब कभी स्टूडेंट्स एक लंबे समय तक वेदर की कंडीशन सेम रहती है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है सीजन समर विंटर एंड मानसून आर द थ्री मेन सीजन्स जो हमारे थ्री मेन सीजन्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन से हैं समर नेक्स्ट विंटर एंड मानसून इन बिटवीन दीज सीजन्स और इन सीजन्स के बीच में वी हैव स्प्रिंग एंड ऑटम हमारे दो सीजन्स और होते हैं स्टूडेंट्स स्प्रिंग और ऑटम डिफरेंट सीजन्स कम विद डिफरेंट क्लॉथ एंड डिफरेंट लाइफ स्टाइल डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग ही हमारा क्लॉथिंग पहनने का तरीका भी डिफरेंट होता है और लाइफस्टाइल भी हमारी अलग होती है सीजन्स के अकॉर्डिंग सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट समर सीजन समर सीजन इज द हॉटेस्ट सीजन सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे समर में क्या होता है एकदम गर्मी होती है हॉट सीजन होता है हमारा समर सीजन जो होता है स्टूडेंट्स सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे और पूरे दिन सन बहुत ब्राइटली शाइन करता है डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट समर सीजन में दिन जो होते हैं बड़े होते हैं नाइट जो होती है वो छोटी होती हैं वी कीप कूल बाय वियरिंग लाइट कॉटन क्लॉथ्स हम अपने आप को कूल रखते हैं कैसे लाइट कलर के कॉटन क्लॉथ्स पहनकर वी यूज़ फैंस कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स फैन यूज़ करते हैं कूलर यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स और समर सीजन में हम लोग सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स खाते हैं ना मार्च अप्रैल मई एंड जून आर द समर मंथ्स हमारे समर मंथ्स कौन से होते हैं मार्च अप्रैल मई एंड जून नाउ स्टूडेंट विंटर सीजन इज द कोल्डेस्ट सीजन विंटर सीजन कैसा होता है ठंड का सीजन डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स आर लॉन्गर इसमें दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती है वी कीप वॉर्म बाय वियरिंग वूलन क्लॉथ्स हम लोग विंटर में खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वॉर्म क्लॉथ्स पहनकर राइट गर्म कपड़े पहनकर इट स्नोज इन द सम प्लेसेस इन विंटर कई प्लेसेस पे तो विंटर में स्नोफॉल भी होता है आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स
वी यूज़ रूम हीटर्स एंड ब्लोवर्स. हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रूम हीटर्स यूज़ करते हैं और ब्लोवर्स यूज़ करते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी, सूप्स हेल्प टू कीप अस वार्म. हम लोग सर्दी में सबसे ज़्यादा क्या पीना पसंद करते हैं? गर्म चीज़ें, लाइक टी हुई आपकी, कॉफ़ी हुई, सूप्स हुए, जो हमें गर्म रखते हैं. नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर द विंटर मंथ्स. नवंबर, दिसंबर और जनवरी हमारे क्या हैं? विंटर मंथ्स. नाउ स्टूडेंट, मानसून सीजन. रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन. जो हमारा रेनी सीजन होता है, जिसमें बारिश होती है, उस सीज़न को क्या बोला जाता है? मानसून सीजन. इट कम्स आफ्टर द समर सीजन. ये किसके बाद आता है? समर सीजन के जस्ट बाद में. डेज आर क्लाउडी. इसमें दिन क्या होते हैं? एकदम क्लाउडी रहते हैं, बादल घिरे रहते हैं चारों तरफ. कूल विंड ब्लोस अलोंग विद हैवी शावर्स ऑफ रेन. इसमें एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत बारिश होती है. वी यूज़ अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एंड गमबूट्स टू कीप ड्राई. हम लोग इस टाइम पे क्या करते हैं? अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, रेनकोट पहनते हैं और गमबूट्स वेयर करते हैं अपने आप को ड्राई रखने के लिए. समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन. कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब रेन बंद हो जाती है उसके बाद हम लोग स्काई में देखते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देता है. चिल्ड्रन इन्जॉय फ्लोटिंग पेपर बोट्स एंड पुडल्स. चिल्ड्रन इन्जॉय करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कागज़ की नाव बनाते हैं और जहाँ तालाब पानी भर जाता है एक काफ़ी जगह पर, तो उसमें नाव बनाकर तैराते हैं. जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर आर द मानसून मंथ्स. आपके जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर मानसून मंथ्स होते हैं. नाउ ऑटम सीजन. वेदर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में स्टूडेंट ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है. इट इज़ ड्राई एंड विंडी. ये एकदम ड्राई और विंडी होता है, मतलब सूखा रहता है और थोड़ी हवा चलती रहती है. मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स. इस सीज़न में क्या होता है? कई सारे पेड़ क्या करते हैं? अपनी लीव्स को गिरा देते हैं. दिस सीज़न इज ऑल्सो नोन एज फॉल. इस सीज़न को फॉल भी बोला जाता है. अक्टूबर एंड नवंबर आर द ऑटम मंथ्स. हमारे ऑटम मंथ्स कौन से हैं? अक्टूबर एंड नवंबर. नाउ स्टूडेंट्स, स्प्रिंग सीजन. लाइक ऑटम, स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो अ शॉर्ट सीजन. ऑटम की तरह ही स्प्रिंग सीजन जो होता है स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सीजन होता है. न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ऑन द ट्रीज. इसमें पेड़ों के ऊपर न्यू लीव्स आती हैं और फ्लावर्स की छोटी छोटी ब्लूम्स आती हैं. देयर इज़ अ ग्रीनरी ऑल अराउंड. चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है इस सीज़न में. देयर इज़ अ वेरी प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग दिस सीज़न. इस सीज़न में बहुत खुशनुमा वेदर होता है. इट इज़ टाइम फॉर पिकनिक्स. ये एक टाइम होता है जब हम पिकनिक सेलिब्रेट कर सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं. फेब्रुअरी एंड मार्च आर स्प्रिंग मंथ्स. और हमारे स्प्रिंग मंथ्स कौन से हैं सबसे ज़्यादा? फेब्रुअरी एंड मार्च. सो माई डियर स्टूडेंट, आर टुडेज टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड. सो माई डियर स्टूडेंट, बाय, टेक केयर एवरीवन. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. Dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning. Okay, my dear students, stay at home, stay safe, see you soon. Till then, take care, bye-bye.